मूल अधिकार के चैप्टर में हम लोग मूल अधिकारों की चर्चा के बारे में पूछ पढ़ रहे हैं अब अभी तक जैसे हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में समानता का अधिकार अनुच्छेद चौदह से अट्ठारह तक स्वतंत्रता का अधिकार उन्नीस से बाईस तक और उसके बाद से अनुच्छेद तेईस चौबीस शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पच्चीस से अट्ठाइस तक अब आज हम लोग अगले मूल अधिकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके दो मूल अधिकार और बच रहे हैं और वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद उनतीस तीस में इसका वर्णन किया गया है और उसके बाद से आपका जो अंतिम मूल अधिकार के रूप में है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो एग्जामिनेशन पॉइंट आर्टिकल थर्टी टू जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूल अधिकार का आ, आ, हेडिंग माना जाता है तो इसको जरूर आप लोग देखिएगा उनतीस तीस और बत्तीस तो आप लोग विशेष तौर पे फोकस रखिएगा क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछ देता है अब आते हैं हम लोग मूल अनुच्छेद पे तो वो है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है तो इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 29 और तीस में किया गया है अब अनुच्छेद 29 किस चीज का वर्णन करता है तो अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के संबंध में वर्णन करता है और इस अनुच्छेद तीस में अल्प अनुच्छेद उनतीस में आपके अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अल्पसंख्यक <Star Up>? <conservatives> वर्गों के हितों का संरक्षण वर्गों के हितों का संरक्षण अब सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि अल्पसंख्यक किसको कहते हैं तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि ऐसा वर्ग जो संख्या की दृष्टि से भारत में उनका कम पॉपुलेशन है या जनसंख्या है उसे अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है और वर्तमान समय में भारत में कितने अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो वर्तमान समय में मुस्लिम ईसाई सिख पारसी बौद्ध और जैन इन छह वर्गों की संख्या भारत में कम है इस कारण से इन्हें अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है और अनुच्छेद उनतीस जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है और इसी अनुच्छेद उनतीस वन में इसी अनुच्छेद उनतीस वन में प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा लिपि संस्कृति लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है तो इस तरीके से जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा लिपि संस्कृति को क्या कर सकता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है बनाए रखने का अधिकार तो इस तरीके से अनुच्छेद उनतीस वन हो गया उनतीस दो में यह है कि अनुच्छेद उनतीस दो और अनुच्छेद उनतीस दो ये कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्था में जो राज्य से पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है उसमें धर्म मूलवंश जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा मतलब कि आपका किसके बारे में बात की जा रही है तो अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में और वो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग को किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म के आधार पर जाति के आधार पर भाषा के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर उस संस्था में जन्म स्थान के, के आधार पर के आधार पर उस संस्था में और वो संस्था कैसी होनी चाहिए तो राज्य निधि से पोषित राज्य निधि से पोषित मतलब ऐसी संस्था जो राज्य सरकार उसको अनुदान या राज्य सरकार उसको पैसा वहन कर रही है तो ऐसी संस्था में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को धर्म के आधार पर जाति के आधार पर भाषा के आधार पर लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा ठीक उसके बाद से आपका आ जाता है अनुच्छेद तीस अनुच्छेद तीस और अनुच्छेद तीस ये कहता है कि भाषा धर्म के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थान मतलब तीस में भी किसको अधिकार प्रदान किया गया है तो अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदान किया गया और इसमें यह कहा गया है कि भाषा या धर्म के आधार पर भाषा या धर्म के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा या धर्म के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रूची, अपनी रुचि रुचि की संस्था की का स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त होगा स्थापना या प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त होगा तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद तीस वन उन... तीस कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा या धर्म पर आधारित अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान किसका तो शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है इसमें आपका अजीज वासा का केस हुआ था अजीज वासा वासा के केस में ये कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित संस्था नहीं है बल्कि ये संसदीय नियम के अधीन इसको इसकी स्थापना की गई है इस कारण से इसमें अल्पसंख्यक वर्गों को प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त नहीं है तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद 29 और 30 हो गया और ये 29-30 जो है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रावधान करता है और ये जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है ये किसको दिया गया है केवल और केवल अल्पसंख्यक वर्ग को दिया गया है अब इस अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में शामिल कौन है तो वर्तमान समय में भारत में छः वर्गों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया है जिसमें आपका सिख हो गया ईसाई हो गया पारसी हो गया उसके बाद से मुस्लिम हो गया और आपका बौद्ध तथा जैन अभी दो तीन साल पहले जैन को अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैन जो है वो अभी हाल फिलहाल में अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया इसके पहले कितने अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी शामिल थी तो पाँच उसके बाद से आपका अनुच्छेद उनतीस वन ये कहता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है उनतीस दो ये कहता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो राज्य निधि से पोषित संस्था है उसमें प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा अनुच्छेद तीस जो है वो किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा के आधार पर धर्म के आधार पर अपनी रुचि के संस्था का स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त होगा और इसी में अगर चाहें तो आप अपना केस अजीज वासा बनाम भारत संघ का केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा नहीं की गई है और इसके अतः इसमें प्रबंध करने का अधिकार भी अल्पसंख्यक वर्ग को प्राप्त नहीं होगा बल्कि ए, ए एम यू की स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना संसदीय नियम के अधीन की गई है इस कारण से इसमें किसी भी प्रकार के स्थापना या प्रबंध का अधिकार प्राप्त नहीं होगा अब हम लोग आते हैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल थर्टी टू और ये जो आर्टिकल बत्तीस है ये आर्टिकल बत्तीस किस चीज़ का वर्णन करता है तो आर्टिकल बत्तीस जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और इसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 32 में दिया गया है ठीक अब आर्टिकल 32 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो आर्टिकल 32 में आपका जो पहला पॉइंट निकल करके आता है वो है आपका डॉक्टर आम्बेडकर का स्टेटमेंट डॉक्टर आम्बेडकर का स्टेटमेंट आम्बेडकर का कथन और आम्बेडकर ने यह कहा था कि यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसको निकाल देने पर संविधान शून्य हो जाएगा तो इन्होंने जवाब दिया कि निसंदेह अनुच्छेद 32 है और यह अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा कहा कहा जाता है या उन्होंने इसे आत्मा कह करके के संबोधित किया अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि आत्मा इसी अनुच्छेद को क्यों कहा गया क्योंकि अगर जैसे कि ये जो हमारा आर्टिकल 32 है इस आर्टिकल 32 में जि, जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उन मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए जो विधि या कानून का निर्माण किया गया है वो आर्टिकल 32 में किया गया है तो अगर हमारे मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए अगर किसी कानून का निर्माण नहीं किया गया होता या किसी विधि का निर्माण नहीं किया गया होता तो क्या ये मूल अधिकार हमारे लिए सार्थक या पॉजिटिव होते नहीं होते कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन कर देता और वो व्यक्ति अपने मूल अधिकार की रक्षा नहीं कर पाता तो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अब तो इस तरीके से आम्बेडकर ने इसे क्या कहा भारतीय संविधान की आत्मा कहा आत्मा कहा उसके बाद से आपका आर्टिकल बत्तीस वन अनुच्छेद बत्तीस वन और इस अनुच्छेद बत्तीस वन में शक्ति किसको दी गई है तो जो भी भाग तीन द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार हैं भाग तीन द्वारा प्रदत्त एफआर एफआर बोले तो आपका फंडामेंटल राइट right. तो जो भी भाग तीन द्वारा दिए गए प्रदत्त का मतलब दिए गए जो मूल अधिकार हैं इन मूल अधिकार को लागू कराने की गारंटी कौन प्रदान करता है तो मूल अधिकार को लागू कराने की गारंटी लागू कराने की गारंटी लागू कराने की गारंटी किसे प्रदान की गई है तो वो की गई है आपका सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को तो इस तरीके से बत्तीस वन की भाषा ये हो गई कि भाग तीन द्वारा दिए गए मूल अधिकार को लागू कराने की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है जब ये गारंटी देता है कि हम आपके मूल अधिकार की रक्षा करेंगे तब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अनुच्छेद 32 दो के अंतर्गत इसे लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा क्या जारी करेगा तो वो जारी करेगा निदेश या रीट निदेश या फिर रीट जारी करता है और ये जो निदेश या रीट है ये अनुच्छेद बत्तीस दो के अंतर्गत सिर्फ ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि हम आपके मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए समुचित निदेश अथवा रीट जारी करेंगे लेकिन इस निदेश या रीट जारी करने का जो प्रावधान है या कितने प्रकार की रीट जारी करेगा इसका प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है तो अनुच्छेद 139 में और इसी 139 में कितने प्रकार की रीट का वर्णन किया गया है तो वो पांच प्रकार के रीट का वर्णन किया गया है पांच प्रकार के रीट का वर्णन किया गया है और इस पांच प्रकार के रीट में कौन कौन सी रीटें शामिल हैं तो आपका पहला हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण और इस बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में भी पूछता है तो इसी बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में हैवियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है जैसे कि कभी कभार ये पांच प्रकार की रीट में आपका चार प्रकार की रीट का नाम एक तरफ इंग्लिश में दे देता है और उसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में दे देता है और ये कहता है कि निम्न रीट को सुमेलित करें तो आपका हैवियस कॉर्पस का संबंध किस रीट से मान लिया गया तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण तो पहला आपका रीट कौन सी हो गई कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसकी व्याख्या हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे दूसरी जो आपका रीट हो गया वो है आपका परमादेश जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैंडेमस तीसरी रीट जो है वो आपका है प्रतिषेध प्रतिषेध की इंग्लिश होती है प्रहीविषण उसके बाद से जो चौथी रीट होती है वो है आपका उत्प्रेषण और इसे इंग्लिश में कहते हैं सरसियरी और जो पांचवी अंतिम रीट है उसे अधिकार परीक्षा या इंग्लिश में को वारंटो के नाम से जाना जाता है तो इस तरीके से आपकी ये पांच रीट हो गई और इस पांच रीट में जो पहली रीट है वो कौन सी है तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण और इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो चाहे यूपीएसआई हो चाहे पीसीएस लोअर पीसीएस सी किन्हीं भी परीक्षाओं में इसका इंग्लिश डायरेक्ट भी पूछ देता है कि हैवियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो हैवियस कॉर्पस यानी कि आपका कौन सी हिंदी में हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण तो अभी एस SI के भी एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ दिया था कि हैवियस कॉर्पस का अर्थ है और बहुत सारे लड़के चूंकि हिंदी मीडियम के थे जो इंग्लिश में मैं इसका नाम नहीं जान पा और इतने आसान क्वेश्चन को भी वो करने में असमर्थ रहे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश हो गया आपका हैवियस कॉर्पस अब इसके बारे में जान लेते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है तो सबसे पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ जानिए शाब्दिक अर्थ भी क्वेश्चन पूछता है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है स शरीर उपस्थित करो स शरीर उपस्थित करो अब ये स शरीर उपस्थित किसको करो तो स शरीर सो शरीर का मतलब शरीर के साथ उपस्थित करो और स शरीर किसको उपस्थित करो तो बंदी व्यक्ति को बंदी यानी कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को शरीर के साथ उपस्थित करो अब इसको थोड़ा सा लिंकअप लिंकअप करते हैं हम लोग किससे तो आर्टिकल ट्वेंटी टू से और आर्टिकल 22 में ही हमने बताया था कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसका ये राइट है कि पुलिस से यह जान सके कि हमें किस कारण से गिरफ्तार किया गया है यानी कि पहला आपका राइट क्या हो गया आर्टिकल 22 के तहत कि गिरफ्तारी के कारणों को बताया जाना दूसरा जैसे ही आपकी गिरफ्तारी के कारणों को कारणों का पता चलता है तब आप तत्काल किससे संपर्क करेंगे अपने वकील से तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अपने वकील से परामर्श लेना तीसरा आपका पॉइंट बनता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाना अब अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है और आर्टिकल 22 का पालन नहीं किया जाता तो उस कंडीशन में आपके फंडामेंटल राइट right का क्या हो गया उल्लंघन हो गया जब फंडामेंटल राइट right का उल्लंघन हो गया तो वो व्यक्ति या उसका कोई हितबद्ध व्यक्ति उसका दोस्त मित्र या कोई भी रिश्तेदार नातेदार इसके बचाव के लिए वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहाँ चला जाएगा तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो रीट दाखिल सुप्रीम कोर्ट में अप्लीकेशन दाखिल करेगा तो उस व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सी रीट जारी कर दिया तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण और बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया सशरीर उपस्थित करो मतलब जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया उस गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में आर्टिकल ट्वेंटी का पालन क्यों नहीं किया गया इसके लिए तत्काल वो सुप्रीम कोर्ट उसके मूल अधिकार की रक्षा करते हुए 22 का अनुपालन करेगा दूसरा क्वेश्चन यह पूछता है कि पांचों प्रकार की रीट में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सी रीट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो जाहिर सी बात बात है कि इस रीट में आपका क्या हो रहा है एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है और जब एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रीट कौन सी हो जाएगी बंदी प्रत्यक्षीकरण तो इस तरीके से अगर कोई किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है और आर्टिकल 22 का पालन नहीं किया जाता या फिर उसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करेगा तो एक रीट आपका हो गया उसके बाद से आपका दूसरी रीट कौन सी है तो दूसरी रीट आपकी आ जाती है परमादेश दूसरी रीट आपकी कौन सी आ गई तो दूसरा है आपका रीट हो गया परमादेश और इस परमादेश की इंग्लिश क्या होती है मेंडेमस मैंडेमस और इस परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं और ये आदेश कौन देगा तो ये आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय और ये आदेश किसको देगा तो लोक प्राधिकारी को लोक प्राधिकारी लोक प्राधिकारी का मतलब पब्लिक सर्वेंट सरकारी कर्मचारी अगर किसी व्यक्ति के अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करता तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो परमादेश की रीट जारी करते हुए उस व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करेगा तो परमादेश भी आपका हो गया और परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया हम आदेश देते हैं और इस आदेश में वो आदेश किसको देगा तो लोक प्राधिकारी को दे सकता है किसी व्यक्ति को दे सकता है या फिर अधीनस्थ न्यायालय को भी आदेश दे सकता है उसके बाद से जो आपका तीसरी रीट है वो है आपका प्रतिषेध प्रतिषेध और इस प्रतिषेध की इंग्लिश होती है प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन और प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ प्रतिषेध होता है और इस प्रतिषेध का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मना करना या रोकना मना करना या फिर रोकना अब ये मना या रोकेगा किसको तो ये रोकेगा अधीनस्थ न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय और ये जो अधीनस्थ न्यायालय है इसे अधीनस्थ कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि अधीनस्थ न्यायालय का मतलब क्या होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के नीचे जितने भी न्यायालय काम करते हैं उसे अधीनस्थ न्यायालय के रूप में जाना जाता है और एक उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि सबसे बड़ा भारत का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका हाई कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई वर्ग होते हैं या कई न्यायाधीश शामिल होते हैं जिसे डीजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबसे बड़ा अधिकारी डीजे डिस्ट्रिक्ट जज या जनपद न्यायाधीश दूसरे नीचे होता है आपका एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसके नीचे आपका होता है सी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसके नीचे होता है आपका ए और सबसे नीचे की जो पोस्ट होती है वो होता है जे एम जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो इस तरीके से अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी मुकदमे की सुनवाई कहाँ होती है तो छोटा मुकदमा हो चाहे बड़ा मुकदमा हो अब उस मुकदमे की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्णय अपना दे दिया और उस निर्णय से आप सटिस्फाइड नहीं हैं तो उसकी अपील आप कहाँ करेंगे हाई कोर्ट में करेंगे और हाई कोर्ट से भी सटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर उसकी अपील कहाँ करेंगे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं ये केवल अपीलीय न्यायालय हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वाद का निस्तारण किया जाता है अब मान लीजिए कि जैसे कि ये सी है तो सी को ये पावर दिया गया है कि वह ऐसे मुकदमों की सुनवाई करेगा जिसमें सात वर्ष का क्या किया गया कारावास प्रदान किया गया है सात वर्ष का कारावास मतलब ये सिर्फ उन्हीं आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा जिसमें सात वर्ष तक का कारावास प्रदान किया गया है अगर ये सी जी एम तीन सौ दो के मुकदमे की सुनवाई करता आई पी सी की धारा तीन सौ दो और ये आई पी सी की धारा तीन सौ दो क्या है मर्डर या हत्या है और इस मर्डर या हत्या में किस कित, किस प्रकार का दंड प्रावधानित है तो एल आई हो गया या फिर डी आई एल आई और डी आई का मतलब लाइफ इंप्रीजमेंट या डेथ इंप्रीजमेंट होता है आजीवन कारावास या मृत्युदंड तो अगर सीज़ियम आजीवन कारावास या मृत्युदंड के हत्या मृत्युदंड की सज़ा मृत्युदंड केस की सुनवाई करता है तो उस कंडीशन में ये अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके काम कर रहा है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट कौन सी रीट जारी कर दिया प्रोहिबिशन या प्रतिषेध की रीट जारी कर दिया और इस प्रतिषेध में सी को मना करेगा या अधीनस्थ न्यायालय को मना करेगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रह करके कार्यों को करें तो इस तरीके से आपका ये तीसरी रीट कंप्लीट हो गई उसके बाद से जो चौथी रीट है वो आपका है उत्प्रेषण 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 और इस उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है सरसियरी सर सियरी और इस उत्प्रेषण उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं सरसियरी और उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वादों को भेजना वादों को भेजना या फिर सूचना देना या फिर सूचना देना जैसा कि इसके पहले ही हम बताए थे कि किसी भी मुकदमे की सुनवाई कहा किस कोर्ट में की जाती है तो चाहे छोटा मुकदमा हो चाहे बड़ा मुकदमा और वो सभी मुकदमों की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दे दिया तो उस डिसीजन के खिलाफ हम अपना अपील कहाँ करते हैं तो वो हाई कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर हम कहाँ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अब अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया और उस निर्णय के खिलाफ अपील हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किए और उसकी फाइल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं पहुंची है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस मुकदमे का निस्तारण जल्दी नहीं कर पाएगा तब उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय को कौन सी रीट जारी करेगा तो उत्प्रेषण की रीट जारी करेगा और उससे कहेगा कि फला नंबर की फ़ाइल के संबंध में हमें सूचना दें या इस फाइल को हमें तत्काल ऊपर के न्यायालय में भेजने का कष्ट करें तो इसी को उत्प्रेषण के नाम से जाना जाता है और इस उत्प्रेषण जो रीट है इसको न्यायिक रीट भी कहा जाता है न्यायिक रीट और न्यायिक रीट का मतलब ये केवल और केवल जुडिशियल क्षेत्र में ही लागू की जाती है जुडिशियल क्षेत्र का मतलब आपका केवल न्यायिक क्षेत्रों में ही उत्प्रेषण की रीट जारी की जाती है अब आ जाते हैं हम लोग अधिकार परीक्षा चौथे तो पांचवी रीट जो है यह आपका चौथा हो गया और यह आपका अंतिम जो रीट का प्रकार है वो है आपका अधिकार परीक्षा और इस अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो को वारंटो को वारंटो और इस को वारंटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वारंट द्वारा वारंट द्वारा या फिर प्राधिकृत वारंट द्वारा या फिर प्राधिकृत मतलब इसमें यह हो गया कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है अगर कोई व्यक्ति किसी पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है जबकि वो उस पद के लायक नहीं है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी करेगा अधिकार परीक्षा तो इस तरीके से किसी भी अवैध पद को धारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सी रीट जारी कर दिया अधिकार परीक्षा तो इस तरीके से आपका पांचों प्रकार की रीट हो गई इसमें जो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं जो हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि इसका हिंदी और इंग्लिश ज़रूर देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के शाब्दिक अर्थ या हर रीट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद से आपका ये जो रीट है ये रीट क्या आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है तो नहीं आर्टिकल 32 में इस पांचों प्रकार के रीट का वर्णन नहीं किया गया है बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद एक के अंतर्गत इन पांचों प्रकार की रीट का वर्णन किया गया है तो इस तरीके से हमारा मूल अधिकार आपके जो भी छह मूल अधिकार दिए गए थे उस छो मूल अधिकार का वर्णन डिस्क्राइब हमने कर दिया जिसमें आपका बीच में चौदह से स्टार्टिंग हुई थी और चौदह से लेकर के बत्तीस तक हम लोग गए और बत्तीस में हम लोगों ने बीच में एक आर्टिकल के बारे में चर्चा नहीं किया जिसको हम कई बार बता चुके हैं आर्टिकल थर्टी और वो आर्टिकल 31 जो है संपत्ति का मूल अधिकार था और उसी आर्टिकल 31 में संपत्ति का जो मूल अधिकार दिया गया था उसे चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसे हटा दिया गया तो इस तरीके से 31 के बारे में हमने चर्चा नहीं किया और वो 31 जो संपत्ति का मूल अधिकार था इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि जो 31 संपत्ति का मूल अधिकार था वो संविधान के किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया तो वो आपका अनुच्छेद तीन सौ के अंतर्गत स्थापित किया गया अब ये अभी एक क्वेश्चन और भी बन जाता है इस पर कि कौन आवेदन दे सकता है मतलब अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस मूल अधिकार के उल्लंघन में कौन सा व्यक्ति आवेदन दे सकता है तो इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वो दावेदार हो चाहे हितबद्ध हो न हो मतलब दावेदार वाला व्यक्ति चाहे हितबद्ध न हो कोई भी व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार नातेदार या फिर उसका दोस्त मित्र कोई भी व्यक्ति उस उस व्यक्ति के फेवर में आ, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट दाखिल कर सकता है उसके बाद से अगर एक ऑप्शन आपका ये भी आता है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो उसके अलावा अगर हम सुप्रीम कोर्ट ना जाना चाहें तो उसके लिए एक ऑप्शन और देता है कि आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट ना जा कर के अपने मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय में आप रीट दाखिल कर सकते हैं तो एक तरीके से मूल अधिकार का संरक्षक किसको माना जा सकता है तो मूल अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को माना जा सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत हमारे मूल अधिकार की रक्षा करता है और हाई कोर्ट जो है वो हमारे मूल अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत करता है और एक तरीके से अगर कंपेरिज़न किया जाए अगर तुलना किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता एक तरीके से व्यापक है क्योंकि सुप्रीम आ, हाई कोर्ट जो है मूल अधिकार की रक्षा करने के साथ साथ अन्य प्रकार की भी रीटों के सुनने का उसे अधिकार प्रदान किया गया है तो इस तरीके से ये आर्टिकल आपका थर्टी टू हुआ अब आते हैं 33, चौंतीस और 35। 35 के बारे में तो थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी है कि पैंतीस में जैसे आर्टिकल सत्रह में हमने बताया था कि अगर अस्पृश्यता का अंत होता है या फिर उस कंडीशन में आपका अनुच्छेद तेईस चौबीस में हमने बताया था कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं और इसको संविधान क्या करता है प्रतिबंधित करता है तो अगर संविधान प्रतिबंधित कर रहा है तो आर्टिकल थर्टी फाइव के अंतर्गत इन अनुच्छेदों के अनुपालन करने के लिए वो किसी न किसी विधि का निर्माण कर सकता है और इसके संबंध में हम दो तीन अधिनियम का नाम भी लिखाए हुए हैं या बताए हुए हैं तो उसको आप लोग पीछे वाले मूल अधिकार वाला जो हमारा क्लास है उसमें आप क्लियरिफाई कर सकते हैं अब इसमें अनुच्छेद तैंतीस तीन अनुच्छेद बचे और वो अनुच्छेद आपका कौन सा है आर्टिकल थर्टी और आर्टिकल थर्टी में संसद संसद को शक्ति दी गई है और वो संसद को शक्ति क्या दी गई है तो वो संसद को शक्ति दी गई है कि विशिष्ट प्रयोजन हेतु एफ को वो क्या कर सकती है निलंबित या निराकृत कर सकती है संसद को यह शक्ति है कि विशिष्ट प्रयोजन हेतु विशिष्ट प्रयोजन हेतु विशिष्ट प्रयोजन हेतु वो क्या करेगी एफ को निर्बंधित या निराकृत कर सकती है एफ को निर्बंधित निर्बंधित का मतलब प्रतिबंधित या रोक लगा सकती है या फिर उसको क्या कर सकती है निराकृत या निकाल सकती है या हटा सकती है कुछ समय के लिए तो इस तरीके से अनुच्छेद तैंतीस जो है वो संसद को ये पावर दिया गया है कि संसद किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु या विशिष्ट वर्गों हेतु एफ को निर्बंधित या निराकृत कर सकती है उसके वजह से कि आपका सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए वो मूल अधिकार को क्या कर सकती है प्रतिबंधित या निराकृत कर सकती है उसके बाद से आपका आ जाता है अनुच्छेद चौंतीस और अनुच्छेद चौंतीस में भी एक तरीके से आपका जब सेना विधि लागू होती है मार्शल लॉ या सेना विधि लागू होता है तो उस कंडीशन में हमारे मूल अधिकार को निर्बंधित किया जा सकता है तो चौंतीस में किस चीज़ का वर्णन है कि जब सेना विधि लागू हो और जब सेना विधि लागू हो तो हमारे एफ क्या किए जाएंगे? निर्बंधित या निराकृत किए जा सकते हैं उसके बाद से निर्बंधित या निराकृत या निराकृत किए जा सकते हैं किस कंडीशन में तो जब सेना विधि लागू हो उसके बाद से आपका आ जाता है अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 35 में पीछे वाले क्लास में भी चर्चा हो गई है कि अगर संसद को यह लगता है कि किसी अनुच्छेद के अनुपालन में किसी कानून का निर्माण किया जाना आवश्यक है तो संसद जो है ऐसे अनुच्छेद के लिए अनुच्छेद 35 के तहत नए अधिनियम या नए विधि का निर्माण कर सकती है तो इसमें भी अब एक पॉइंट के रूप में क्या हो गया संसद और संसद को क्या दी गई है शक्ति दी गई है क्या शक्ति दी गई है कि अनुच्छेद के अनुपालन में अनुच्छेद के अनुपालन में अनुपालन में वो क्या कर सकती है किसी विधि का निर्माण विधि का निर्माण कर सकती है अब इसका उदाहरण हम बता सकते हैं कि वो हम लोग पढ़े थे आर्टिकल सत्रह और आर्टिकल तेईस और आर्टिकल चौबीस और इसी आर्टिकल सत्रह में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और अस्पृश्यता के अंत के अनुपालन में या अनुच्छेद सत्रह के अनुपालन में संसद द्वारा अधिनियम का निर्माण किया गया जिसे हमने बताया था सिविल अपकार संरक्षण अधिनियम 1955 और दूसरा अधिनियम उसी का नाम चेंज 1976 में किया गया जिसमें उसी को एस सी एक्ट या अनुसूचित जाति या जनजाति के नाम से जाना गया और ये अधिनियम किस वर्ष इन्फोर्समेंट हुआ तो ये उन्नीस इसी तरीके से जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में दिए गए हैं उसके संबंध में भी संसद ने इसी आर्टिकल 35 के तहत अधिनियम का निर्माण किया जिसमें कई अधिनियम के बारे में हमने चर्चा किया बालक नियोजन अधिनियम खान अधिनियम महिला लैंगिक शोषण अधिनियम तो इस तरीके से इसी आर्टिकल 35 के तहत संसद जो है वो अनुच्छेदों के अनुपालन हेतु नए अधिनियम का निर्माण कर सकती है तो इस तरीके से आपका मूल अधिकार का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और मूल अधिकार के बाद से आपका अगला जो चैप्टर या अगला जो भाग आएगा वो आपका भाग चार रहेगा उसके बाद से भाग चार कौ रहेगा तब जाकर के हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को टच करेंगे और उससे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपका संविधान का भाग एक कंप्लीट हमने कर दिया भाग दो कंप्लीट नागरिकता हो गई उसके ऐसे भाग तीन में आपका मूल अधिकार भी आज समाप्त होता है अब अगले क्लास में हम लोग आप लोगों से मिलेंगे नीति निदेशक तत्व तो और मूल कर्तव्य के संबंध में थैंक यू सो मच